अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम खोए वाली खीर बना रहे हैं जो कि बच्चों और बड़ों दोनों की पसंदीदा होती है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। इसके लिए हमने टोटा राइस इस्तेमाल करे हैं जिसे 3 घंटों के लिए मैंने भिगो दिया था। चावल जब अच्छी तरीके से भीग जाएंगे तो हम इसे पीस लेंगे और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद एक पॉट में मिल्क लिया है जिसे बॉईल कर लिया है। मिल्क जब तक बॉईल हो रहा है हम अपना खोया तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ब्राउन खोया लिया है जो कि मिठाई की दुकान से आसानी से अवेलेबल है। इसे हमने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। इसे पीसने की वजह से ये बारीक दानेदार शक्ल में हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी खीर जायके वाली बनेगी। इस पेस्ट को हमने मिल्क में ऐड करा है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कहीं इसकी गुठलियां ना रह जाए। दूध में खोए को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इससे दूध में जायका भी आएगा और दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमने चीनी ऐड की है और इसे अच्छी तरीके से चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। चीनी भी अपना पानी रिड्यूस करती है इसलिए हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावलों का पेस्ट। हमें इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। जब ये पक जाएगी तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। खोए की वजह से इसमें ब्राउन दानेदार शक्ल में खोया होगा। अब हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रहे हैं और हम इसे अच्छी तरीके से कुक करेंगे। जब खीर तैयार हो जाएगी तो इसमें से बबल्स निकलेंगे जो कि इस बात की निशानी है कि खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस दौरान हमें इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो दोस्तों हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब हम एक पॉट में पानी बॉईल करेंगे और इसमें सेवइयाँ उबालेंगे। ये मैदे की बनी हुई सेवइयाँ हैं जो कि डिज़र्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। सिंपली इन्हें बॉईल करना है और ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएंगी 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाती हैं तो हम इसे ड्रेन कर लेंगे और इसे भी ठंडा करेंगे। अब हम अपनी सर्विंग डिश में पहले 1 लेयर सेवइयों की लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें खीर डालेंगे। आप इसे बादाम पिस्ते वगैरह से भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे खोपरा डाला है। इसे बिल्कुल ठंडा यक करके इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही जायकेदार होती है। तो दोस्तों हमारी खोए वाली खीर तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।